वेलकम बैक एवरीवन टू पाल वर्ल्ड। तो गाइस, लास्ट एपिसोड के अंदर तुम लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से कि भैया पाल वर्ल्ड का मैंने नया वर्ल्ड बनाया था। उस वर्ल्ड के अंदर मैंने बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े थे, जिसमें से ये वाला पोकेमॉन मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, क्योंकि भाई ये बंदा फ्रीज करके मारता है भाई। एंड इस बंदे की हेल्प से मैंने 2-3 पोकेमॉन्स और पकड़े थे। एंड बाय द वे गाइस, मैंने एक और ब्रांड न्यू पोकेमॉन पकड़ा हुआ है फिलहाल को, जो कि ये वाला भाई। ये बंदा लिटरली 5 लेवल का है। एंड रिसेंटली गाइस, अभी मेरे 5 लेवल हुए हैं यहाँ पे, देखो 5 लेवल। जब मैं 4 लेवल का था, मैंने उसी वक्त इस बंदे को पकड़ लिया था। एंड क्योंकि भाई ये मुझसे हायर लेवल का बंदा साला, मैं इसकी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड भाई एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, ये तो चलो तब भी ठीक है यार, ये मुझे एटलीस्ट रात को गर्म तो रखता है। इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी मनुष्यत हो चुके गाइस मेरे साथ इस वर्ल्ड में यार, बहुत दुख हो रहा भाई मेरे को। ये देखो मुंह के सामने कौन है, मिस्टर फलाना जी बदसूरत डॉन इस वर्ल्ड में आ चुका है और ये मेरे को तंग किया जा रहा है तब से लेकर। एंड बाय द वे, इसका ये वाला पोकेमॉन ही मैंने ही पकड़ के दिया इसको, ये नूब एक नंबर का भाई। इसके बाल देखो जरा एक बारी, क्या भाई ऐसे लग रहा है वो साला वो अजय देवगन तेरे को पान थूक के गए तेरे बाल के ऊपर, शर्म नहीं आ रही है? जितने भी नए लोग इसको अंदर ले, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? मेरे पोकेमॉन पे हमला किया उसने, साला मेरी हेल्थ तो देखो भाई ऑलमोस्ट जाने वाली है गाइस। इनफैक्ट वो मेरा हंगर बारे में, एक बार मैं हंगर खाना खा लेता थोड़ा सा। हाँ मैं बोल रहा था गाइस, ऐसा लग रहा है इसको देख के कि भाई किसी ने पान थूका हुआ इस बंदे के ऊपर यार। अरे मत मार भाई यार, तू बड़ा गंदा आदमी है यार। गाइस जितने भी तुम्हें से नए लोग हैं इस वीडियो पे, तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मिस्टर फलाना जी गूंगा है, ये मेरा असिस्टेंट है, ये मुझे टास्क देता रहता है माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड अब ये साला पाल वर्ल्ड में भी आ चुका मुझे टास्क वगैरह देने के लिए। भाई ये मुझे तब से लेके बोल रहा है भाई, एक जगह यहाँ पे बहुत ही सीक्रेट जगह इस पाल वर्ल्ड के अंदर, वहां पर जाकर तुझे सर्वाइव करना है। अगर तू सर्वाइव कर गया भाई तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आजा भाई आजा, तेरे को मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा डेंजर खेलता उस गेम को। एंड बाय द वे गाइस, मैं तुम लोगों को उससे पहले एक चीज दिखाना चाहता हूं यार। भाई मेरा सपना है यार, फलाना जल्दी आ यार, तू भी आजा भाई, जल्दी आजा ब्रो, मेरा सपना है गाइस, मेरा सपना है, काश भगवान जी ये सपना मेरा जल्द से जल्द पूरा हो जाए यार। मैं भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सबको भाई पपियां दूंगा। देखो गाइस ऊपर ये है किंग ऑफ द फॉरेस्ट मेमोरेस्ट भाई, इस बंदे को पकड़ने का सपना है यार, बड़े 38 लेवल का है। इसको देखो एक बार, कितना ज़्यादा क्यूट है भाई, गॉड की कसम बहुत क्यूट है। गलती से गाइस अगर मैंने अभी इसके ऊपर एक पंच मारा ना तो मेरी दुनिया हिला देगा। पागल फलाना, तू पागल है भाई, भाग जा यहाँ से भाई। ये बंदा ये हिला हुआ है भाई, इसने किंग ऑफ द फॉरेस्ट मेमोरेस्ट को भाई छेड़ दिया यहाँ पे। फलाना जी व्हाई आर यू डूइंग दिस ब्रो, तुझे इसने भाई क्या पैर मारा, ऐसी वेव्स निकली है, निकल यहाँ से जल्दी, निकल यहाँ से साले, तेरे को मैं इस वर्ल्ड से ना किक आउट कर दूंगा समझा। अगर तूने ऐसी हरकत फिर से करी तो या तो पान थूक दूंगा मैं तेरे सर के ऊपर। भाई मैं डर गया था अभी कसम से गाइस। ओके एक काम करता हूँ मैं, थोड़े बहुत गाइस ये और निकाल के रखता हूँ, बिकॉज मेरे को ना यहाँ पे इसकी गाइस टोटल 4000 हेल्थ ऊपर देखो और 3300 बची हुई है। फलाना जी है बड़ा तेज बंदा भाई साहब। थोड़ा बहुत गाइस पाल के जो स्पेयर्स वगैरह ना ये बना के रखूंगा मैं, तो हम लोग कभी भी कोई भी पोकेमॉन्स वगैरह पकड़ सकते हैं इजीली। और ये दिख रहा है तुम लोगों को, अरे इन लोगों का मरे हुए थे, ये क्या कर रही है? हेलो हेलो हेलो, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? ओ ये आपस में खेल रहे हैं, अबे साले दोनों के दोनों को मार दिया इसने। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक नंबर का दरिंदा इंसान है भाई, बहुत बड़ा दरिंदा ये फलाना जी। भाई मैं तो बोलता हूँ तुम लोग लाइक मारो इस वीडियो पे यार, इस वीडियो पे अगर गाइस 80,000 लाइक्स क्रॉस हो जाएंगे ना भाई, तो तुम लोग देखो भाई मैं और बंदे लेकर आऊंगा इस वर्ल्ड के अंदर। और ये देखो एक और है, ये भाई फलाना जी प्लीज कृपया करके इस बंदे पे हमला ना करियो इस बार यार, है ना। वही एक और है वहाँ पे, 3 है, कितने सारे है भाई, लास्ट वीडियो में तो मुझे एक भी नहीं मिला था ये। एंड बाय द वे मैंने अपने फेवरेट पोकेमॉन को बाहर निकाल के रखता हूँ, जो गाइस ये वाला पोकेमॉन है ना भाई, ये मेरा फेवरेट इसीलिए क्योंकि अगर मान लो किसी ने मेरे पे हमला किया ये लिटरली उनको फ्रीज कर देगा। देख अरे मुझे कोल्ड हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है भाई, आई थिंक मैंने इस बंदे को बाहर निकाला इसलिए मुझे ठंड लग रही थी। इसको अगर मैं बाहर निकाल के रखूंगा तो कोई मेरे पे हमला कर ही नहीं सकता, सीधा फ्रीज कर देगा उनको और फिर हम लोग बच जाएंगे। आजा फलाना जल्दी आजा भाई तू, फलाना मेरे को पता तेरे दिमाग में साले क्या चल रहा है, कृपया करके ये हमारा बेस है ब्रो, इस यहाँ पे गड़बड़ मत करियो प्लीज, है ना, प्लीज प्लीज ब्रो, आई एम बेगिंग यू। हाँ तू ये बेस बना दे, बेड बना दे। मैं गाइस एक काम करने वाला, अभी मैं यहाँ पे अपने लिए ये बनाने वाला हूँ, क्या नाम था उसका भाई जी, पाल बॉक्स, लेट्स गो, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस हमारे। इनफैक्ट एक काम करते हैं गाइस, देखो ना मेरा वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स एवर वो ये है, इसको निकालेंगे और जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा मेरा पाल आएगा मेरे साथ मदद करने। साला ये वाला क्यों नहीं आ रहा भाई तू क्या? अच्छा मैं इसकी मदद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हाई लेवल का बंदा है। आजा मैं इसको निकालूंगा, नाउ चेक दिस आउट गाइस, ये आएगा और ये मेरे साथ शायद से इसको बनाएगा, बना रहा है क्या तू है, बनाओ आजा मेरी मदद करो,
साला फलाना जी आ गए पर ये नहीं आया मेरा, ये बकवास था भाई ये वाला बंदा। कोई नहीं छोड़ो। तो गाइस जितना मुझे पता है हमारा पाल जो हमारे सारे के सारे पोकेमॉन है इनको मैनेज करने का बॉक्स है ना। तो देखो अभी मैंने पाल बेस पे ये वाला निकाल के रखा है बाहर, और इसके अलावा आई थिंक ये सारे के सारे डब्बों में हम लोग यहाँ पे पाल्स को भर सकते हैं, इतने सारे पोकेमॉन हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ओ माय गॉड भाई तो मेरी शुरुआत है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। और देखो कितना क्यूट है ये मेरा पोकेमॉन है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है ये। आजा भाई ले, तू भी काम कर भाई। रुको मैं भी काम करता हूँ यार, इनफैक्ट ये तो काम हो ही गया। कितना खुश हो गया एकदम से भाई, घोड़े बहुत क्यूट लगते हैं मेरे पोकेमॉन, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। फलाना जी यू डू वन थिंग ब्रो, हाँ मेरे लिए बेड बना। हाँ तूने एक बहुत अच्छा काम किया मेरे भाई, दोनों के दोनों बेड्स को दूर दूर लगा के, समझा, मैं तेरे साथ चिपक के नहीं सोना चाहता बेड बिस्तर के ऊपर। तो गाइस मेरा सिस्टम इसे फलाना जी ने मुझे जो टास्क दिया हुआ है वो ये है कि मुझे यहाँ पास में जाकर लाइक वो करना है यार। अरे मुझे पहले रूफ बनानी पड़ेगी ना फलाना, पहले रूफ बना दे भाई। हाँ तो इसलिए मुझे गाइस इसी पहाड़ के बैक साइड पे एक जगह है, बोलता है बहुत सीक्रेट जगह है, वहां पर एक गुफा है, वहां पे जाके तेरे को अपग्रेडेड पोकेमॉन्स पकड़ने हैं। तो इसने मुझे चैलेंज दिया भाई, इसने बोला कि अगर तूने मेरी मदद के बिना पकड़ लिया तो भाई तेरे को मान जाऊंगा मैं, इस तरीके से लाइक इसने मुझे चैलेंज दिया हुआ। अबे तू साला हमारी आग से कितना क्यूट है ये भी यार, देखो अपना पेट ऐसे मसल रहा है, आई थिंक खाना खा के आते ऐसे ऐसे कर रहा है यार, बहुत क्यूट है भाई ये। चलो भैया रात से फाइनली हमारी सुबह हो चुकी है, फलाना जी इट्स टाइम आपके चैलेंज को कम्प्लीट करने का, चले भाई क्या बोलता है। हालांकि तुम लोग इसकी आवाज नहीं सुन सकते, बड़ा दुख हो रहा है। गाइस सब्सक्राइब करो यार, अगर तुम्हें से कई लोग नए आए हुए ना भाई, हम लोग इस पाल वर्ल्ड के सीरीज को बहुत एपिक बनाने वाले, आई प्रॉमिस यू गाइस। ओके आ जा भाई आ जा, कहां पर है वो सीक्रेट जगह पे लेके जा मेरे को एक बारी। ओ वेट 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 फलाना जी आपको 2 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा भाई, 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा। यहाँ नीचे गाइस मेरे को एक वुडन चेस्ट दिखी थी इससे पहले, जिसको खोलने के लिए कॉपर की चाहिए थी, वो मेरे पास मिल चुकी है भाई। आई थिंक यहाँ से नीचे थी वो, हाँ देखो वहां पर है, लेट्स गो। और इसको खोलने के लिए मेरे को कॉपर की चाहिए थी, यस। इसके अंदर को मुझे क्या क्या मिला, ब्रेड मिली, गोल्ड कॉइन मिले, बढ़िया भाई बढ़िया। ट्रेडिंग के लिए गोल्ड कॉइन बहुत काम की चीज है इस वर्ल्ड में। ओ माय गॉड जहाँ पे हम लोग स्पॉन हुए थे उसके बैक साइड पे एक्चुअल में सीक्रेट जगह है। कहाँ बोल रहे फलाना जी भाई, तू तो डरा रहा है मेरे को यार। ओ माय गॉड ब्रो पीछे के लिए जगह है यहाँ पर यार। ये पाल वर्ल्ड गेम बहुत मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा ऑसम गेम है बाय द वे। देखो यहाँ से नीचे भी कुछ तो स्ट्रक्चर भाई, तू पीछे आ पीछे आ रिस्क जगह। चलो फलाना कहाँ लेके जाना हमको पता। ओके गाइस जगह तो मिली नहीं बट एक और वुडन की चेस्ट मिली है इसके अंदर। ओ माय गॉड यस लेट्स गो। 3 पाल्स स्पेयर मिले, 1 पाल सोल मिला और 1 गोल्ड कॉइन मिले, बहुत सारे। नाइस वन डूड, यहाँ से मारे के चला। मेरी हेल्थ चली गई भाई 3 HP, क्या कर रहा हूँ मैं पागल की तरह। भाई ये लोग ना पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, मैं देखना नहीं चाहता इन दोनों को कसम से, बदतमीज है भाई यहाँ के पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा यार। फलाना जी वो ऊपर क्या है भाई, कुछ तो मुझे वहां पे दिख रहा है, जूम नहीं कर पा रहा। ए व्हाट भाई एक्सरसाइज कर रहा है बंदा। दिस इज सो गुड यार, पता नहीं क्या चीज है वो, दिखा जरा मेरे भाई क्या है वो चीज। कुछ तो थी भाई, चलो अभी लग जाएगा बता। ए भाई तू हैकिंग कर रहा है क्या साले, उड़ उड़ के आ रहा मेरे सामने। ओ माय गॉड गाइस वहां पर एक गुफा बनी हुई है, एक्चुअल में गुफा बनी हुई है। लेट्स गो टू दैट गुफा और अंदर जाकर कांड करते। गाइस रुको मेरे को ना कौन सा वाला पोकेमॉन चाहिए होगा, मैं अपने पेंगुलेट छोड़ूंगा लेकिन साला है जैसे ही मैं गाइस इस पोकेमॉन को बाहर निकालता हूँ ना मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है यार, बस इसकी यही दिक्कत है भाई। एंड बाय द वे लेट्स डू वन थिंग गाइस, खाना खा के रखते हैं एक बार, ठीक है ना। फलाना जी थोड़ा डर लग रहा है यार, थोड़ा डर। ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे, रुको 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 रुको। ओके गाइस आई एम गोना गो इनसाइड। ओके ओके एंटर डंजन, चले भाई जी लेट्स गो गाइस लेट्स गो। ओ माय गॉड कुछ भी हो सकता है भाई, मैं बोले भी नहीं जा रहा, डर लग रहा है भाई। अभी मेरा फर्स्ट बॉस बैटल होने वाला है ये पाल वर्ल्ड गेम का, एपिक जाएगा बुरा जाएगा। ओ माय गुडनेस गेम लैग होने स्टार्ट हो गया, इसका मतलब समझ जाओ गाइस कि भाई डेंजर है यहाँ पे। ओ माय गॉड योरी केव बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं एंड हमको अपने से हाई लेवल के पोकेमॉन्स यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे। इसका नाम माऊ है। मेरे बिल्ले का नाम माऊ था भाई, रियल लाइफ के बिल्ले का यार। को इन चीजों को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इससे कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, टूट नहीं रही है। ये क्या चीज है नीचे, नहीं होता कोल है। ओके ओके ठीक है भाई ठीक है, ये सारी चीजें कोल है, चैट में लिख के भाई मुझे बाय द वे बंदा बताया जा रहा सब कुछ। भाई फलाना तू तो बड़ा भारी कुछ बोल रहा था मेरे को, है इधर तो कुछ भी नहीं है, भेज अपने बड़े बड़े पोकेमॉन्स को भेज एक बार, साले उनकी चटनी ना बनाए ना स्मार्टी पाई ने, नाम बदल के कुछ भी रख दियो समझा। ए पीछे पड़ गया मेरी। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे 2 पोकेमॉन सामने दिख रहे हैं डे ड्रीम नाम से, फलाना जी पकड़ू इनको मैं। तू तो रहने दे बेटा, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं पकड़ूंगा इन दोनों के दोनों को, लेट्स गो।
ओ माय गॉड, मैंने दोनों पे हमला कर दिया साथ में। मैंने गलती कर दी, दोनों पे साथ हमला नहीं करना। स्पॉटी भाई, आपके पास थोड़ा कम दिमाग है क्या? दो पे कौन हमला करता है? मेरे एचपी नहीं आती। पोकेमोन, मैं तुझे चुनता हूँ, मेरे को बचा जल्दी, पेगुलेट जल्दी जल्दी बचा मेरे को। 239, 242, ओके मेरी हेल्थ बढ़ रही है धीरे धीरे करके, शाबाश भाई। अगर मेरा पोकेमोन मरा ना भी तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को बहुत दुख होता गाइस, मेरे पोकेमोन वगैरह मेरे लिए बहुत खास है। ओके मेरी एचपी अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, शाबाश शाबाश, तेरे को मैं बहुत ज्यादा भी डेंजर मारूंगा बेटा। आजा प्लीज पकड़ में आजा। आई थिंक मैंने उसको पकड़ लिया है। 98, 900, ओ माय गॉड, तेरे को पकड़ूंगा मैं। ओ माय गॉड, प्लीज टेल मी भाई पेंगुलेट तू वापस आ, तेरी जान खतरे में शायद से। आई डोंट नो कि क्या हुआ अभी ये। 9900, फलाना जी मेरी एचपी देख साले, मैं 679 एचपी पे था लिटरली ब्रो। मैंने खुद को लेवल अप भी कर दिया, आई थिंक सो, 5 ही लेवल है फिलहाल के लिए। भाई कैसा था बता मेरे को, कैसा था, मजा आया कि नहीं? ऐसा बोलियो भाई, मेरे पेंगुलेट की हेल्थ भी पूरी होगी फाइनली, मजेदार था। पर आगे तो चलो, चल भाई चल, आज आगे चल तू। ओह माय गॉड वेट, अभी पोकेमॉन्स मेरे पास आएंगे। अरे पोकेमॉन यहाँ नहीं आएंगे गाइस, हम लोग एक बार में आई थिंक 5 पोकेमॉन अपने हाथ पे उठा के लेके जा सकते हैं, एंड वो सारे के सारे हमारे पोकेमॉन अभी बेस पे पहुंच गए होंगे ब्रो। आई डोंट नो कि वो करते क्या है, बाद में जाके देखेंगे। चल भी फलाना और दिखा, जितने बंदे हैं तेरे पास सब लेकर आजा, पहले मुझे थोड़ा सा गाइस खाना खा लेता है एक बार में, है ना, थोड़ा सा खाना खाना जरूरी है भाई अभी। ए भाई जी ठंड लग रही है मेरे को, मेरे नजदीक रहा खड़ा, थोड़ा सा हिला भाई क्या तू? ओह माय गॉड, ये हरा पानी है भाई यहाँ पे, ड्यूड डेंजर है। ऑल राइट लेट्स गो गाइस इनसाइड, ओके। एंड बाय द वे ये अच्छा काम किया इसने भाई, मेरे को ना इसको नीचे निकालना पड़ेगा यार। ये जो पोकेमॉन है एक्चुअली उनको गर्मी देते हैं, हम लोग गर्म रहेंगे, अदरवाइज हम लोगों को ठंड लग जाती है तो वे सीन हो जाता है भाई यहाँ पे। भाई बंदा मुझे कहाँ लेके जा रहा, फलाना जी आ रही मैड यार, साले मुझे कहाँ लेके जा रहे, इतना अंदर भी लेके मत जाइयो यार, तुम्हें मरमरा जाओ मैं अंदर यार। ओ माय गॉड, हम लोग बहुत अंदर जा चुके हैं बाय द वे गाइस इस पर्टिकुलर गुफा के। मैंने लास्ट टाइम पे जब इस गेम को खेला था मैं बाहर था यार, एक दो पोकेमॉन आई थिंक 5-6 पोकेमॉन ने पकड़े थे, बट उसके बाद मैंने अब जाकर इतना तगड़ा एडवेंचर किया ब्रो। मैं अभी एक्चुअल में डर गया था इससे पहले जब मैं पोकेमॉन को पकड़ रहा था। ओ ब्रो ये कौन है, जाओ लड़ो इनसे। अबे साले तू सिंडिकेट ठग से लड़वा रहा है मेरे को, पागल है क्या? ये ले तू टॉर्च पकड़, क्योंकि तेरे को टॉर्च पकड़ कर मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वो रखना, रुको मैं अपने इन बंदों के, मेरा ऐसे ये है यार, ये भी इनको मार सकते हैं ना। हमला 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 हमला, तुम्हारी बहस की, तुम्हारी बहस की, मेरे को मारोगे बेटा। सिंडिकेट ठग है भाई ये लोग, ठग का मतलब होता है जो चोर होते हैं बाय द वे। मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मेरे को बचा मेरे पेंगुइन, मेरे को बचा जल्दी जल्दी, मेरे आग वाले प्राणी मेरे को बचा। ओ माय गॉड, फलाना तू मत बचाइए भाई मेरे को, ठीक है ना, सिर्फ तेरी जरूरत नहीं है, मैं और मेरा पोकेमॉन कर देंगे अकेले। तू साले मेरे पोकेमॉन को मारेगा, मेरे पोकेमॉन को मारेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत हैं? भाग गया से। मर गया भाई। ओ माय गॉड भाई, इसने मेरी ऑलमोस्ट हेल्थ खा ली थी। मेरा पोकेमॉन कहाँ है? ये मेरा पोकेमॉन है ना भाई, तू जिंदा है ना भाई तू? हाँ तू जिंदा है। ओ माय गॉड, ए फंसा हुआ है, तेरी पकौड़े फंसा हुआ है, ग्लिच होके मारेगा मेरे को तू, है ग्लिच के थ्रू मारने की ट्राई कर रहा है साला सिंडिकेट ठग मेरे को ऐसी की तैसी। 1, 2, 3, 4, 5, इसी के साथ खत्म कहानी मेरे बेटे की। डेंजर था भाई ये तो। ए फलाना जी मर गए। साले मेरे को चैलेंज दे रहा है, इसको खुद रिवाइव की जरूरत पड़ गई। हे भगवान कितना नल्ला है भाई ये बंदा, कितना नल्ला है भाई ये बंदा, माँ कसम से यार। ब्रो याद रखियो पापा कौन है, स्मार्टी। मेरे को मारे नहीं, मेरी हेल्थ कम है अभी, ठीक है ना भाई, तू ना मारियो गलती से। पापा कौन है, स्मार्टी पाई, याद रखियो इस चीज को भाई। वहां पे और ठंडी कर थके गाइस, थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा उनसे। बॉस फाइट के लिए आ जाओ स्मार्टी। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, हमारी पहली बॉस फाइट पाल वर्ल्ड की। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक मारो, वीडियो को शेयर करो भाई, मैं चाहता हूँ 1 मिलियन लाइक्स इस वीडियो पे, नहीं 1 मिलियन लाइक्स नहीं, सॉरी 1 मिलियन व्यूज चाहिए भाई, थोड़ा औकात से बाहर जा रहा हूँ, सॉरी मजाक कर रहा था मैं, पर 1 मिलियन व्यूज तो दे दो भाई तुम लोगों को। भाई कहाँ लेके जा रहा है फलाना जी? ब्रो बाहर जाने का रास्ता याद रखियो, ठीक है ना भाई, तू हरकते ना करियो यहाँ पे। आजा मेरे बच्चे जल्दी जल्दी आया तू, रुको गाइस मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा स्लो बढ़ रही है यार। लेट मी डू वन थिंग, कुछ खाने का सामान पड़ा है तो मैं खा सकता हूँ यार, मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई यार, थोड़ी सी ब्रेड खा लेता हूँ, एक और खा लेता हूँ, जिससे हमारी हेल्थ शायद से फास्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अरे गाइस फाइनली मुझे भाई फलाना जी ने थोड़ा खाने का सामान दिया, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार, तू बंदा सही है यार। बॉस फाइट से पहले मुझे स्टार्ट तैयार करवाना चाहता है। मेरे पाल कहाँ है तू? वेज में पाल ब्रो, इधर आ,
और तेरे को मैं यहाँ निकालूंगा। मेरे साथ रहे यार, तू अरे परे जाए जा रहा है, थोड़ी गर्मी नहीं मेरे को यार, दिमाग दही ना कर मेरी तो अभी, मैं बहुत गुस्से। ओ ब्रो एक सेकंड रुक, तू साले मुझसे, अबे तू मुझसे लेवल 11 के डिनोसॉर्म से लड़वा रहा, पागल है क्या थोड़ा सा? लेवल 11 है वो, 11 11 11 भाई, बोलने में भी शर्म आ रही मेरे को भाई। अभी ये उस सामने वाले बंदे से लड़वा रहा मेरे को, देखो उसका नाम क्या है, गार्डियन ऑफ ब्लॉसम गार्डन्स ब्रो, माय गॉड। हाँ तो जाओ, देख अकेले अकेले जाओ और बोरे हाँ तो जाओ, पागल है क्या थोड़ा सा तू है फलाना जी? भाई ये बंदा तो शायद मेरे स्पाल को भी मार सकता है यार फलाना जी। रुको मेरे को थोड़ा सोचने दे भाई, पहले तो मेरी हेल्थ एक बार पूरी होने दे, अभी 400 ही है, पहले पूरी 500 होने दे उसको एक बार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारे डिनोसॉर्म भाई, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है यार। गाइस मुझे तुम लोगों के आशीर्वाद की जरूरत, भाई मेरा पोकेमोन तो सबसे आगे जा रहा है, तू पीछे रह खड़ा, इधर एक बारी पागल, थोड़ा पीछे रह वहाँ पे, जब तक मैं लड़ूंगा नहीं तू हमला ना कर इससे पहले, तेरे को मार देगा तो दुख हो जाएगा मेरे को। अच्छा गाइस तो मैं तुम, ये पहली जगह आगे, पहली जगह आगे, वाह भाई ये बंदा पागल है। हाँ गाइस मैं बोल रहा था मुझे तुम लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है इस फाइट को जीतने के लिए। 1292 हेल्थ है इसके, साला 500 हेल्थ तो मेरी। ओके गाइस लाइक मारते सब लोगों ने, लेट्स गो, देखी जाएगी भाई अफवान। ओ माय गॉड इसकी हेल्थ बहुत कम कम जा रही है। मुझसे कैसे बंदे से लड़वा दे, दो फटके में मार गया मेरे को ये, मैंने खुद को कोई अपग्रेड ही लिख रहा है भाई, कितना गंदा आदमी है ये, कितना गंदा आदमी है ये। ओ माय गॉड, ए गुस्सा तो नहीं कर रहा मेरे पे अभी भी, आई थिंक ये भूल चुका है ना भाई, तो प्लीज बोल दे तो भूल चुका है यार। वो यहाँ से अंदर एक और रास्ता जा रहा है, मैं इस बंदे से नहीं लड़ूंगा गाइस अभी फिलहाल को, जब तक तो मैं खुद को, जाओ मारो लिख रहा, पागल है क्या थोड़ा सा? ओ अंदर देख भाई फलाना कुछ अंदर है, सिस्टम है भाई अंदर, ये क्या है गाइस? तो मुझे फलाना जी ने बताया कि जब हम लोग इस बॉस बंदे को मार देंगे ना भाई, तभी ये जो चीज है ना ये अंदर अनलॉक होगी। गाइस आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा और इसको मैं मारने वाला हूँ, ये मेरा पहला बंदा होने वाला नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जिसको मैं मारूंगा, बट अभी फिलहाल को मैं तैयार नहीं हूँ गाइस। हम लोगों को हर बार जोश से काम नहीं लेना होता है, हमें होश से भी काम लेना होता है, एंड अभी होश यही होगा कि मैं उससे लड़ू ना यहाँ पे। ओके गाइस मुझे देखते ही देखते मार सकता है भाई ये इजीली, सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ से बाहर चलते, कोल वगैरह निकालते, थोड़ी बहुत लूट निकालते और बाहर चलते। चल भाई फलाने बदसूरत कहीं का, साला मुझे ट्रोल कर रहा है, तेरे को एक फटका भी मारा ना मैंने तो मेरा पोकेमॉन तेरे को नंगा कर देगा भी यहाँ पे, समझा? गाइस मैं देखना चाहता हूँ मेरे पोकेमॉन की हेल्थ कितनी है। ओ माय गॉड इसकी हेल्थ देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, इसकी भी बहुत कम हो गई थी हेल्थ भाई, ऑलमोस्ट मरने वाला था उस टाइम में बंदा। चल यहाँ से बाहर, पागल कहीं का, डर के स्मार्टी लिख रहा है, डर के स्मार्टी लिख रहा है ब्रू। भाई कैसा बंदा है यार ये है, अभी मैं तैयार ही नहीं उस बॉस फाइट के लिए, तू मुझे अभी लड़वा रहा है यार, वो भी ऐसे टॉन्ट मार के भाई, गंदा आदमी। ऐसा मत बोल भाई, तू ऐसा मत बोल। अरे भाई यार हम लोग बाहर जा रहे, साले पीछे पड़े हमारे सिंडिकेट ठग, बदसूरत कहेंगे, हम लड़ना नहीं चाहते इनसे भी यार फालतू में ही। ए बाहर जाने का रास्ता बंद है। ओ माय गॉड फलाना जी इसका मतलब क्या है मुझे बताए, एक बार बाहर जाने का रास्ता बंद क्यों है? साले मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि तू मुझे अभी ये बोलेगा कि जब तक हम लोग इस बॉस को नहीं मारेंगे हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बंदा भाई पागल है थोड़ा सा, थोड़ा हिला हुआ है भाई ये बंदा। ओ माय गॉड गाइस खाने का सामान कितना है भाई, खाने का सामान ही नहीं है, वाओ एक लैम्प कबाब पड़ा हुआ है भाई मेरे पास सिर्फ। ओ माय गॉड जब तक उसको मारेंगे नहीं हम लोग बाहर नहीं आ सकते। मुझे इस चीज के बारे में अगर थोड़ी भी नॉलेज होती गाइस तो मैं जरूर इस चीज का एक्नॉलेज करता, साला का मेरा पोकेमॉन मर गया यार, उसको तो कोई रिवाइव नहीं कर पाएगा यार, अब क्या करूंगा मैं। ओ माय गॉड गाइस जैसे ही हम लोग अंदर आए साला यहाँ पर यही चेंज हो गया, लेवल 12 का पेंगुलेट है, कितना बड़ा साइज में। ओके ये हमारा अगला बॉस है, आई डोंट नो गाइस कि मैं इसे लड़ पाऊंगा, ये मेरा साला फेवरेट पोकेमोन का विकसित रूप है यार। तुम लोग देखो यहाँ पे गाइस, ये वाला मेरा फेवरेट पोकेमोन है छुटकू साला, और ये उसका बड़ा बाप है यार। रुके एक बार इसको वापस बुला, और इस वाले पोकेमोन का इनफैक्ट मेरे पास एक आइडिया गाइस, मैं ना अभी यहाँ पे पोकेमोन के साथ नहीं लड़ने वाला फलाना जी, आई थिंक गाइस हम लोग इस केव से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक हम लोग यहाँ पे इन बॉसेस को नहीं मार देते, तो लेट्स डू वन थिंग गाइस इनको मारना स्टार्ट करते हैं। आजा मेरे बेटे, आजा 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 आजा, मेरे से लड़ेगा बेटा, मेरे से लड़ेगा तू, मेरे से आओ। ओके ठीक है ठीक है, मेरी हेल्थ उतनी नहीं गई है अभी, मेरी हेल्थ उतनी। ये बंदा बहुत तेज है, पीछे के लिए। ओके डूड्स ये गलत चीज है भाई, ये गलत चीज है भाई। नो आई एम डेड, जल्दी पहुंचाना है फलाड़ा मेरे को, जल्दी पहुंचाना है साले। हार
नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये बंदा एक्चुअली में गाइस बहुत ज्यादा तेज है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा तुम लोगों को, क्योंकि ये ना साला पीछे के लिए जाता है खुद को। आजा आजा आजा, या नहीं दूंगा। भाग और स्लाइड मार, भाग और स्लाइड मार। नहीं 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 नहीं, ओके ठीक ठीक ठीक। अरे भाई रुक जा, मेरे को चांस तो दे। ये पीछे के लिए जाता है भाई, ये चीटिंग करता है यार, धक्के मारा खुद को। चल छलांग मार के साइड में चल, साइड में चल, साइड में चल, साइड में चल। कैसे भी मैं अपने पोकेमॉन की मदद भी नहीं ले सकता यार, साला ये बंदा ना मेरे पोकेमॉन्स को मार देगा। अरे मैं फिर से मर गया यार, आजा फलाना, जल्दी जल्दी आजा यार। तो मैंने अपने पोकेमॉन निकाल दिया है, मैं अटैक करूंगा तो मेरा पोकेमॉन इसको अच्छा खासा मारेगा, अच्छा खासा मारेगा। शाबा मेरे पोकेमॉन, शाबा मेरे पोकेमॉन, तेरा काम है भाई अभी यहां पे। ये मेरे पोकेमॉन को मार रहा है, मेरे पोकेमॉन को मार रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। पोकेमॉन को हाथ नहीं लगाने का भाई, पोकेमॉन को हाथ नहीं लगाने का भाई, पोकेमॉन को हाथ नहीं लगाने का भाई, मैं खत्म कर दूंगा तेरे को, समझा ना। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी मेरे पोकेमॉन पे हाथ उठाने की। चल साइड में, चल साइड में, चल साइड में। ओह माय गॉड, दोबारा से फेल दिया इसने। ओ नीचे का वर्ल्ड दिख रहा है मेरे को, बाय द वे नीचे बहुत बड़ा वर्ल्ड है ये वाला। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। थोड़ा गाइस अगर मैं अपग्रेडेड होता तो कितना बढ़िया होता है ना गाइस। आजा आजा, मेरे को बस अपने पोकेमॉन के हेल्थ का भी ध्यान रखते रहना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं। इसकी हेल्थ भाई मैंने 20% खा ली ऑलरेडी। माई गॉड आई एम सो गुड यार। मेरा बाय द वे वेपन भी कैसे डैमेज हो रहा है। नहीं 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 नहीं, चल 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 चल, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा। ये साला अपने छोटे छोटे पेंगुलेट का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत तेज है भाई ये बंदा। छोटे छोटे पेंगुलेट्स का इस्तेमाल करके ये बंदा मेरे को यहाँ पे ना वो कर रहा है। हाँ ये कर रहा है बार बार। पेंगुलेट वेयर आर यू, मेरे पेंगुलेट का विकसित रूप है तू, है बकवास कर रहा है साला। मैं थोड़ा भी अगर यहाँ पे अपग्रेडेड अच्छा होता ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, उसको मैं अभी तक तो निपटा चुका होता है यहाँ पे। लाइक मेरे पास आर्मर अच्छा होता, मैं करूंगा खुद को गाइस, मैं करूंगा खुद को कुछ टाइम के बाद अपग्रेड करूंगा अच्छे से। आजा, ओए साला घूम के देख रहा है, घूम के देख रहा है मेरे को। आजा 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 आजा, जब तक मैं घूमता रहूंगा ना ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आजा स्लाइड मार, स्लाइड मार, स्लाइड मार, और मार इसको ऐसे मार। ए भाई खेलना आ रहा है मेरे को गेम। ये साला ना पीछे वाले पेंगुलेट का इस्तेमाल कर रहा है गाइस, ये गलत बात है यार। ये साले छोटे छोटे पेंगुलेट्स का इस्तेमाल करके मुझे मार रहे हैं एक्चुअल में। दिस इज नॉट गुड ब्रो, दिस इज नॉट गुड गाइस। आजा अभी मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो ये साला जो पेंगुलेट है ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है ना, इसको मारेगा। आजा मार इसको, मार इसको, मार इसको, शाबाश 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 शाब, मेरे पॉकेट मार इसको। पहले तो मैं तेरे को निपटाऊंगा, समझा बेटा, पहले मैं तेरे को निपटाऊंगा यहाँ से बेटा, पहले तो मैं आपको निपटाऊंगा, पहले मैं आपको निपटाऊंगा, समझे। तेरे को पहले मैं निपटा दूंगा ताकि तू मेरे को तंग ना करे। दूर से साला मुझे फ्रीज कर रहा तब से लेके। एंड बाय द वे गाइस, मैंने अपने फॉक्सी पॉक्सी को मारा हुआ था यहाँ पे अभी, मार का सब उसको मैं अंदर ले रहा हूँ भाई। इसको रिवाइव करवाना पड़ेगा नहीं तो बाद में। आजा आजा आजा, यू गोना डाई ब्रो, यू गोना डाई ब्रो, आ मेरे को डाल जल्दी। ओके मरने वाले, मरने वाले, मरने वाला है ये, इसका सेकंड पेंगुलेट है। इसको अगर मैंने मार देगा इस, ये बॉस फाइट मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बच जाएगी। कहाँ जाएगा, देखो कैसे भाग रहा है, डर लग रहा है आपको मेरे से हैं। आजा साले, तेरे को मैं बताता हूँ, तो एक बाप के वाला तो वापस आए, भाग रहा है भाई कुत्ते की तरह, भाग रहा है कुत्ते की तरह, भाग रहा है। ओह माय गुडनेस ड्यूड, हाँ यही औकात है तेरी, यही तेरी औकात है, समझा, यही औकात है तेरी। एक गया और दूसरा वाला भी छोड़ दूंगा नहीं भाई, दूसरा भी छड़ूंगा नहीं। अपने बाप को बुला, चल पीछे से। हाँ शाबाश, तेरे को मैं छड़ूंगा नहीं बेटा। हाँ हाँ हाँ, बाप को बुला, बाप को बुला, बाप को बुला। हाँ तू बाप है इसका, तू बाप। बाप बड़ा तेज है भाई इसका यार, माँ कसम मजाक नहीं कर रहा भाई मैं। ये रख, आजा आजा आजा, पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा, पीछे से आके मारूंगा, पकड़ के दिखा। अरे यार पकड़ दिया इसने मेरे को, बड़ा तेज है यार ये तो भाई। फलाना जी साला घूम घूम के आ रहा है मेरे को बचाने के लिए। इसको मैं धकेल दूंगा नीचे, नीचे गिर के मरेगा। पीछे कहाँ जा रहा है, अरे पीछे कहाँ जा रहा है, पीछे कहाँ जा रहा है, पीछे कहाँ जा रहा है, पीछे कहाँ जा रहा है भाई, भाई जी पीछे कहाँ जा रहे हो। एक पिताजी की औलाद नहीं हो ना आप, सच बोलना, सच बोलना भाई, हैं तीन चार की औलाद है ना तू। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है भाई। ये देख, आजा आजा, ये देख, ये देखा तूने कभी। अबे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई अभी कसम से। आजा मार, आजा मार, आजा मार, आजा मार, मार मार मार, आजा मेरे बेटे। देख यहाँ पे ये रखा, ये पचेगा तुम्हारा स्मार्टी पाई, कोई टच नहीं कर सकता तुम्हारे भाई को, कोई टच नहीं कर सकता भाई। आजा आजा ना, आजा ना, आजा ना बेटे, टच करके दिखा दे। ओके डूड्स, मैं अच्छा खेल रहा, 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 मैं अच्छा खेल रहा। ओह माय गॉड,
एक छलांग मारनी थी बस उधर को। गाइस ऑलमोस्ट मरने वाला है ये बंदा, तो मैंने अपना पेंगोलेट निकाल दिया। पेंगोलेट भाई तू ही है जो इसके खिलाफ मेरी मदद कर सकता है, इसको मार पैस की तेरी पकौड़े। ऑलमोस्ट लेस देन 100 एचपी आने वाला गाइस ये बंदा। एंड इस मोमेंट आई शाबाश भाई, शप्पा तक भाई ये बंदा मार रहा है, ये बंदा मार रहा भाई, अपना पेंगोलेट मार रहा भाई, अपना पेंगोलेट मार रहा भाई, इसको मार, इसको मार, इसको शाबाश। अरे अरे मैं हंगरी हूँ भाई, वाया मैं हंगरी ब्रो, वाया मैं हंगरी ब्रो, मेरे पेंगोलेट की हेल्थ भी गाइस बहुत कम है भाई। ये मरने वाला बंदा, मेरे पेंगोलेट तू वापस आ, तू पहले वापस आ, उसको डेंजर स्पॉट पे आ गया था, वो डेंजर स्पॉट पे आ गया था। अरे यार मैं ऑलमोस्ट मारने वाला था इसको, ओह माय गॉड। गाइस हमारा ये वाला पोकेमॉन पूरे तरीके से अब सेफ है, तो अब लास्ट के 55 एचपी इसके मैं ऐसे ही कहेंगे तेरी पकौड़े, तू है जो हीरो बनता है, तू है, तू है कोई है पकौड़ा का। कहां गया, कहां गया वो, ये क्या है? अबे साले फलाना जी तू खा गया मेरे। फलाना जी आपने क्या मेरे उस पोकेमॉन को पकड़ लिया? हो फलाना जी आपने मेरे पोकेमॉन को ले लिया अपने लिए ना, कुत्ता है ये बंदा। फलाना मुझे वापस ही है, फलाना मुझे वापस ही है, ये तो कुछ ने ले लिया पेंगोलेट को। फलाना जी तू चोर है साले, एक नंबर का भाई। रुक जा पहले अपने पोकेमॉन को वापस लान दे। फलाना जी आप ले गए उस बंदे को, ये क्या ये एफ लीव डंजन, ओ उसको मार कर ही हो सकता था एक्चुअल में। रुको इसको ओपन करते गाइस जरा क्या मिलता है। ट्रेनिंग मैनुअल, हीट रेजिस्टेंट, अंडरशॉट मिली मेरे को, नाइस वन डूड। मुझे गाइस कपड़े मिले इसका मतलब, वेयर इज द कपड़ा ब्रो, ब्रो मैं पहन सकता हूँ कि इसको? हेड शील्ड कहाँ पहन सकता है, एक्सेसरीज में जाएगा ये। ओके एंड बाय द वे गाइस एनहांस स्टेटस का जो ऑप्शन है ना भाई, मेरे को अपनी ये बढ़ानी है, स्टैमिना बढ़ाना भाई, सबसे बेकार चीज़ है ये, नहीं तो दिमाग की दही हो रही है मेरी यार। फलाना जी ब्रो मेरे को वापस चाहिए, मेरे को वापस चाहिए मेरा पोकेमॉन यार, ब्रो वापस दे भाई। हेलो क्या देख, ये भाग गया बंदा, ये भाग गया, लीव डंजन, यस लीव डंजन करना मेरे को, भाग गया ये बंदा। फलाना वापस आ, कुत्ते के बच्चे वापस आ, माँ कसम मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फलाना जी फलाना वापस आ, भाग मत ब्रो, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता अभी यहाँ पे भाई। ये चोर है ये बंदा, ये कुत्ता है, ये चोर है ये मेरा। साले इतना मेहनत से मैंने उस पूरे बॉस को मारा था, वापस दे मेरे को मेरा सामान साले। नहीं ठीक है मैं तेरे को मारूंगा नहीं साले, मुझे फिर से मारेगा नहीं तो पेंगोलेट। फलाना जी पीछे देखो ब्रो, मैंने आपको वो दिया था ना, ये वाला जो पोकेमॉन है आपके पास, ये आग वाला, ये मैंने ही आपको दिया था ब्रो, आपको याद है ना भाई? आप मेरे से ऐसा करोगे भाई? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ ब्रो, कम ऑन डूड, मुझे वापस दे भाई मेरा पोकेमॉन यार, चीटिंग मत कर यार, बहुत मेहनत से पकड़ा मैंने उसको ब्रो, हैं क्या कर, ए दे दिया इसने मेरे को। ए साले वो वाला पोकेमॉन वापस कर रहा है जो मैंने उसको पहले दिया था यार, ये चीटर है भाई ये बंदा। फलाना जी प्लीज यार ऐसा मत कर यार, बहुत मेहनत लगी भाई। साला मेरे पास एक अपग्रेडेड आ गया था इसका, इस पोकेमॉन का लाइक ये 6 लेवल के 12 लेवल का पोकेमॉन आ गया था ये वाला यार मेरे पास। यार फलाना जी बस चोर है भाई ये बंदा कसम से, मैं साले तेरे को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा समझा, तूने गलत किया मेरे साथ, ये मेरे साथ गलत हुआ गाइस, मेरे साथ गलत हुआ है। क्या लिख रखा है इस बंदा चैट में, पहले बोलो फलाना इज ग्रेट, फलाना इज गॉड, फलाना इज ग्रेट ये बोलू मैं है साले, फलाना इज चोर, फलाना इज चोर का बाप, फलाना इज चोर, फलाना इज चोर का बाप, ये मैं बोल सकता भाई, तू चोर एक नंबर का, नहीं मिलेगा लिख रहा भाई अभी बंदा। इसने ना भाई बहुत अच्छा काम किया, एंड मोमेंट पे साला जब वो बहुत ज्यादा लो हो गया था अपना पोकेबॉल फेंक दिया उसको पकड़ने के लिए, बहुत तेज है भाई ये। ओ गाइस हम लोग अपने बेस वापस आ चुके हैं, यहाँ पे बेस अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा भाई, चलो इसको मैं अपग्रेड कर देने वाला हूँ फिलहाल को, लेट्स गो। हमारा बेस अपग्रेड हो चुका है, इनफैक्ट मैंने इसको बेस लेवल 3 तक ला दिया, नाइस वन। एंड बाय द वे वो वाले पोकेमॉन्स का एक बार ये काम करते, एक बार सो जाते हैं यार, है ना, सोएंगे गाइस तो हमारी हेल्थ वगैरह सब रिस्टोर हो जाएगी दोबारा से, जिससे क्या होगा मतलब सुबह के लिए टेंशन नहीं होगी भाई अपने को यार। चलो ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स सुबह हो चुकी है मामू। और भाई फलाना दे दे भाई, क्या कर रहा है जिंदगी में, दे दे यार मेरे को भाई, भाला लेके घूम रहा साला। और वो वाले पोकेमॉन कहां है जो मैंने पकड़े थे उस टाइम पे भैया? ओ ये रहे, रुके एक बार गाइस, इनको है ना बेस पे एक बारी डालता हूं जरा नीचे करी, लेट्स सी देम। ओ हेलो हेलो, ये लोग करते क्या मुझे ये नहीं पता गाइस फिलहाल के लिए, क्या ये करंट टास्क गैदरिंग का काम करते हैं ये लोग? ओके दोनों के दोनों, ठीक है भाई तुम लोग एक काम करो, गैदरिंग वगैरह काम स्टार्ट कर लो। एंड गाइस मेरे को ना कुछ तो बनाना है एक बार यार, मेरे को ये स्पेयर बनाना है एक बार, ठीक है ये चीज मेरे लिए भी। ए मार मत साले, एक तो मेरे पूरा का पोकेमॉन चोरी किया हुआ तूने, चोर कहीं का, हाँ शाबाश बच्चा भाई, प्लीज फलाना दे दे मेरे को यार भाई, मेरे को चाहिए यार ये कितना क्यूट है, इतना बड़ा पोकेमॉन है, दे दे भाई प्लीज, दे दे यार प्लीज दे दे भाई भाई सुन फलाना, मैंने बहुत मेहनत की है भाई, मैंने बहुत जान जोखिम में डाली अपने यार, दे दे भाई
इतनी कृपा तो कर दे दोस्त के ऊपर साले, अगले जन्म में तेरे को भाई कुत्ता नसीब होगा समझा। एंड गाइस लेट्स डू वन थिंग गाइस, ओके मैं स्टार्ट प्रोडक्शन कर। रेड 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 ब्रो, रेड पड़ी है, कहाँ है रेड, कहाँ है रेड, मार इसको। गाइस मेरे को इसको बनाने एक बार, एक बार पहले मेरे को इसको बनाने दे, करी जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा मेरे को, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह चाहिए, नंगा घूम रहा तब से लेके मेरे को मजा नहीं आ रहा एक्चुअली में। और यहाँ पर रेड पड़ी है भाई, शाबाश मेरे पोकेमॉन, तू मेरी मदद करने आया ब्रो, आई लव यू मैन, लव यू सो मच यार। सिंडिकेट पेट्रोल इज इन्वेडिंग द बेस, ओके ये हो चुका है। एंड अब इसको, ओ वाओ भाई कपड़ा पहन लिया मैंने, कहाँ ये बंदे मुझे बताओ एक बारी, मेरे को ऐसे एक भाला बनाना था यार एक बारी, आई थिंक भाला ऑलरेडी बना दिया था मैंने अभी भी यार, हाँ भाला आ चुका ना मेरे हाथ पे। आ जा भाई, कहाँ है बच्चे, मारूंगा मैं तुम लोगों को। और गाइस तुम्हें को तीन बंदे दिखे वहाँ पे, ये आई थिंक हमारे बेस को डिस्ट्रॉय वगैरह करके हमारे बेस को वो करने की ट्राई कर सकते हैं, लाइक क्या बोलेगा उसको, कैप्चर करने के, है ना, इनको मारते मार मार फलाना मार शाबाश, हाँ इसको निकाल इसको निकाल इसको निकाल, मेरे पोकेमॉन को निकाल तो एक बारी। अच्छा मेरा बैठे, मेरे पोकेमॉन को जो मारेगा, गड़बड़ी 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 गड़बड़ी, इसको मार मार मार, ये साला भाला किसी काम का नहीं, छोप रहा है इसको भाई अंदर, रुक यार फलाना मेरे को मान दे उसको एक बारी, जरा मैं देखता हूँ इसको, पकौड़े तेरी इतनी हिम्मत है ब्रो, बेचारे बंदे यहाँ पर नीचे लेटे हो यार, बड़ी गलती कर दी भाई जी तुम लोगों ने यार, बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने यहाँ पे आके, समझा गलती करी तुमने बच्चे, हमारे बेस को अब इन्वेड करना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल। पाल्स विदाउट बेड्स विल गेट स्ट्रेस्ड, ओके इनको बेड भी देने पड़ेंगे भैया, बेड कहाँ से दूं मैं इनको अभी, फिलहाल को तो मैं बेड बुड बनाने नहीं वाला। ए भाई बदसूरत मेरी बात सुन फलाना, तेरे को भाई यहाँ पर भी एक काम करना है मेरे लिए समझा, मैंने उठा दिया सारे के सारे पाल के तेरे स्पेयर, अब बोल, अब बोल साले, सारे स्पेयर मैंने उठा दिए मेरे को मारेगा है पकौड़ा, कहीं का ताला, नल्ले की औलाद, नल्ला नल्ला कहीं का है, चोरी करता है माल मेरा और फिर मेरे को ही है मेरी बिल्ली, मेरे को ही मैं आऊँ पकौड़ा कहीं का, फलाना जी सुन यार, दे रहे यार भाई सुन, दे रहे यार, दे रहे दे रहे दे रहे भाई, दे रहे वापस दे रहे भाई प्लीज, कृपया कर दे यार मेरे पे, कृपया कर दे मेरे पे भाई, दे रहे यार प्लीज, दे रहे भाई, भाई ने तो मेरा है, भाई है ना तो मेरा, दे रहे यार भाई प्लीज है ना, दे रहे भाई दे रहे हैं, मर जाएगा नहीं तो मेरे हाथ से, तो अभी अभी तेरी जान खतरे में भरो मेरे हाथ से ठीक है, दे रहे, हाँ आग लगी हुई ना भाई, आग लगी है ना भाई, दे 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 साले दे दे, बड़ा पोकेमॉन निकालते साले ने है मुझे मारने के लिए, तेरी ऐसी की तैसी है दोस्ती के नाम पे कलंक के, तू एक नंबर का, वापस दे इस पोकेमॉन को, वापस दे इसको। गाइस मैंने भी एक बहुत ही मस्त चीज डिस्कवर करी है, देखो भाई मैं इसको उठा सकता हूँ, कितना की उठाइए, ओ माय गुडनेस ड्यूड्स, ओके भी बहुत बढ़िया है, और मैं अगर वीत पाऊंगा तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ भाई, ये बहुत बढ़िया यार ब्रो, दिस इज सो गुड। हम लोग बेसिकली इनको खुद हाथ में पकड़ के इनसे काम करवा सकते हैं, स्पेसिफिक काम, तू इधर आ साले, तू मेरे हाथ में, इसको मारूं मैं, नहीं अगर मैं इसको मार, ए नहीं 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 नहीं, वापस ले इसको, वापस ले इसको, फ्राणे वापस ले उसको अंदर हाथ में, नहीं ले रहे कुत्ते। अरे भाई ये बंदा क्या चैट पे लिख रहा है, पहले बोलो ओ, वो फिर दूंगा पक्का इस बार, अरे यार ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला गाइस, भाई मिस्टर फलाना जी इज ग्रेट, मिस्टर फलाना जी इज गॉड, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है भाई खुश, दे जल्दी पोकेमॉन मेरे को, दिमाग की दही मत कर मेरी, और बहुत सारे काम, अभी एक दो पोकेमॉन पकड़ने आ जाओ, ओ माय गॉड, रुको गाइस एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, पहले मेरे को ना अपने लैम्प बॉल यहाँ घुसेड़ देता हूँ ठीक है भाई, और इसको यहाँ ला दे, ये देखो यहाँ पे, ये नहीं है वो, गाइस चेक दिस आउट, ये है हमारा बड़े वाला पाल, लेट्स गो, कितना क्यूट है। बाद में गाइस मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाऊं, क्योंकि देखो गाइस ऐसा है, मेरा लेवल अभी 6 है और मेरे इस पाल का लेवल कितना है अभी, ये देखो इसका लेवल भी गाइस यहाँ पे 6 हो चुका है, असल में ये 12 लेवल का था, मैं तुम लोग को इसका राज बताता हूँ कि क्या राज है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, तुम लोग समझो इस चीज को, देखो गाइस क्योंकि गाइस हमारा 6 लेवल है और ये वाला जो हमारा पेंगुइन है गाइस तुम लोग साइड में देख सकते हो लेवल 12 का था, तो इसको डाउनग्रेड होना पड़ा 6 लेवल पे ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं, अदरवाइज मैं इसकी पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। अगर पाल मेरे लेवल से ज्यादा का है तो उसके पावर्स का इस्तेमाल हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इसको डाउनग्रेड होना पड़ा। चलो भैया एक काम करते फलाना, थोड़ा बहुत खाने का सामान सुबह निकालते ब्रो, एंड डायरेक्ट चलते हैं जरा एक एडवेंचर पे, एक आधा और पोकेमॉन पकड़ना है मेरे को भाई, अभी पकड़ना है पकड़ना भाई। अरे गाइस किसी भी एडवेंचर पे जाने से पहले लेट्स मेक श्योर वन थिंग कि हमारे पास पोकेमॉन पकड़ने की जगह तो हो भाई, है ना, तो एक काम करते गाइस अपना जो छोटू वाला पेंगुइन है इसको मैं यहीं रख देता हूँ ठीक है ना, और चिक्पी को यहीं रख देता हूँ, और एक
कैटी वाइस को भी यहीं रख देता हूं मैं। अभी फिलहाल को इन पोकेमॉन्स की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। स्पेस 3 पोकेमॉन्स को रखने का स्पेस मैंने अभी अपने पास बना के रखा हुआ है भाई। और हाँ, मेरा डंडा भी जाने वाला है यार। एक सेकंड रुको भाई, अभी मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनानी पड़ रही है गाइस यहां पे, जो कि है ये रिपेयर बेंच। ये रिपेयर बेंच हम लोग बना देते हैं और इसको मैं यहां पे कहीं पे ऐसे लगा देता हूं। ठीक है, चलो इसका बनाना स्टार्ट कर लेते फटाफट यार। आ जा भाई, कोई है आसपास मेरी मदद करने वाला? जल्दी जल्दी आओ। हाँ, डे ड्रीम भाई आ रहे हैं, फटाफट भाग के आ रहे हैं। शाबाश मेरे भाई लोग, जल्दी जल्दी आओ, इसको कंप्लीट करते हैं गाइस। एंड अब यहाँ पे मैंने अपग्रेड कर लेता हूँ इसको। किसको करना? इसको अपग्रेड करना था मैंने, इसको रिपेयर कर लेता फटाफट। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि किसी चीज की रिपेयरेशन की जरूरत है हम लोगों को। चलो अभी गाइस हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं एक दो पोकेमॉन्स को और पकड़ने के लिए। लेट्स गो। ईयू, ये क्या नाम है? छी भाई, इसका नाम है गूमॉस। फ्राणा आजा पकड़ते हैं इनके। खैर, इसका नाम गूमॉस है भाई। छी ब्रो, कितना गंदा नाम है इसका यार। तू क्या मेरे को मारेगा? ले आजा, पकड़ इसको, चल पकड़ा गई का भाई। गूमॉस इसका नाम, मां कसम कितना गंदा नाम है इसका यार ये। और ये इसी के साथ मैंने इसको कैप्चर कर दिया। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। भाई मेरा सपना है ब्रो आपको पकड़ने का। एक दिन जरूर आएगा जब मैं आपको कैप्चर करूंगा, गारंटी है भाई चीज की। भाई इसकी आंखें देख रहे हो, नशे में भाई ये बंदा। मजा मर गया फलाना जी, आर यू सीरियस डूड? उस बच्चे ने मार दिया आपको हैं? साला गूमॉस मार गया इस बंदे को। ये भगवान भाई, तू कितना नूब हो गया इस गेम के अंदर है। तू तो बहुत अच्छा खेलता रहा इस गेम को। भाई गूमॉस से मर गया यार, बुरे हाल है भाई बंदे के। ओ गाइस, ये गूमॉस है, ये जब टीम में होता है तो ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है ट्रीज को काटने की। ओके ठीक है भाई, कभी पेड़ काटेंगे तो इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखो ना भाई, गूमॉस भाई वहां से देख रहा है और अरे परे घूम रहा है। नाइस वन ड्यूड। बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार कोई ट्रैवलिंग वाला पोकेमॉन पकड़ते हैं जिसे बैठ के ना हम लोग अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। हालांकि ये तो सामने यार फॉक्स जैसी है, 4 लेवल के फिलहाल को जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बंदा है स्किल्ड आइलैंड रुके से बात करता है गाइस। भाई ये बोल रहे हैं कि यू आर अ न्यू फेस, डोंट टेल मी यू आर एन आउटसाइडर। अरे भाई मैं जो भी हूँ भाई, तू बता तेरा काम क्या है। गाइस इस बंदे ने मेरे को बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे ना एक ही टाइप के 10 अलग अलग पोकेमॉन्स को पकड़ते हैं ना भाई, तो बेसिकली उससे हमारी क्या बोलेंगे उसका ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है हमारी। चलो इसको भी उठा देते हैं। पता नहीं क्या चाहिए, जनरल वगैरह पड़ी हुई, इन सबको उठाना आई थिंक जरूरी होता है। स्टोन पड़ा है, स्टोन नीचे भाई। ए मरेगा फिर से, ए मरेगा तू हवा में उड़ रहा है, चीटिंग कर रहा है, हवा में उड़ रहा है ये बंदा। होली शिट फलाना जी, हाउ डिड यू डू इट ब्रो? भाई हैकिंग कर रहे हैं क्या तू साले? हैकिंग नहीं चलेगी भाई यहाँ पे। गाइस मुझे वहां पर एक अंडा मिला, मैं उस अंडे को उठाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक पाल स्पेयर मिला फ्री का, उठा भाई इसको तू। ओके यहाँ पर क्या है? लार्ज कॉमन एग, बिल्ड एन एग इनक्यूबेटर टू इनक्यूबेट पाल। अरे पागल मार रहा है तू मेरे को यार भाई साहब। चलो ठीक, ओ माई गॉड। ओके ये कोई अलग सिविलाइजेशन है यहाँ पर अंदर जाके। यहाँ तो भाई मैं इस एपिसोड में तो नहीं जाऊंगा मैं। ए मुंह के सामने बड़ा पोकेमॉन है। अबे सामने तो गूमॉस के बाप भी है। ओके गाइस मुझे यार ये वाला पकड़ना है, यूनिकॉर्न पकड़ना है मेरे को। अबे मार रहा है तेरा बंदा, उसको रोक इसको फलाना जी, तेरा गूमॉस मार रहा है उसको, पागल है क्या तू? उठा इसको। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है भाई। अच्छा आपने इस पे हमला तो नहीं कर दिया कहीं गलती से? मारेगा ये आपको हैं? इसका नाम क्या, इसका नाम क्या है? मेरे को इसका एकता डियर दिखा, क्या नाम है इसका भाई? एक थ्री डियर भाई, इसको पकड़ना है भाई। मैंने ये मेरे हाथ में आ गया ना गाइस एक बारी तो भाई मजे पड़ जाएंगे यार। ये स्नोरलैक्स जैसा, ये कितना क्यूट है भाई यार कसम से। और इसी के बीच में गाइस एक मर्चेंट घूम रहा है। आई थिंक ये बंदा कोई ना कोई चीज यहाँ पे हमारे को ट्रेड करेगा। क्या लिखा है? दीज फलाना जी, क्यों मारा तूने इसको? अब भाई मेरे को मारना पड़ेगा इस बंदे को यार। क्या बंदा यार, मेरे को तेरी मदद करनी पड़ेगी पागल कहीं का। ये क्या हरकतें करता तू? अच्छा खासा मर्चेंट यहाँ पे हमारे साथ ट्रेडिंग करने आया हुआ था भाई ये बंदा। भाई ये फलाना जी किसी काम का नहीं। रुक जा यार, ले आजा, मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। गूमॉस मार इसको, आजा तेरा काम है अभी यहाँ पे, मार इसको। ये बंदा तो किसी का गोली लेकर आया, वो साला एक बार टच नहीं कर पाया मेरे को। मार, घुसा 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 के पिछवाड़े में, घुसा घुसा के पिछवाड़े में साला, ऐसी के तैसी तेरी। ओ अबे तूने क्या इस बंदे को पकड़ ली ब्रो? हम लोग पाल पाल के उसमें इनको भी डाल सकते हैं बंदों को। आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, बट चल पक। राणा जी यार, यू आर अ वेरी इविल पर्सन ब्रो। ब्रो मुंह के सामने एक और गुफा है, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा फिलहाल के लिए भैया। यहाँ पर मुझे कुछ तो मिला, ओपन कर इसको। लेट्स गो, खाने का सामान मिल चुका, मेडिकल सप्लाई मिल चुके भाई अपने को। लेट्स गो। और ये क्या है? एंटर डंजन। ना 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 भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा अभी इसके अंदर भाई।
एंड गाइस मुझे यहाँ पर एक चीज और मिले इससे, जिससे हमारा मैप और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नाइस वन डूड्स। तो गाइस आई थिंक यार अभी रात हो रही है यहाँ पे, एंड आई थिंक फलाना जी इतनी प्रोग्रेस काफी एक दिन के लिए, राइट? क्या बोलता है, काफी है ना? तो गाइस चलो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। नाइट को अच्छे से, ओ यहाँ पर एक पाल्स पेयर मिला मेरे को, पाल्स पेयर को उठाते हैं और इस वीडियो को गाइस हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। और वहां पर एक अंडा मिला मुंह के सामने, उस अंडे को मैं नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में उठाने वाला हूँ। सो या गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक ऐसा पोकेमॉन पकड़ने वाले जो हम लोग बैठ के, जिस पर बैठ के हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं और कुछ बहुत ही तगड़े वाले एडवेंचर्स पे जाने वाले हैं। आई नो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी मिलता है लोगों से ऐसी धांसक फ्रेंड्स, गाइस बाय 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 फलाना जी की तरफ से भी तुम सबको।